बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन के चैप्टर को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का आगाज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस से क्या मुराद है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मैनुअल फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आती है तो उन्हें कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ता है। यानी इस चैप्टर में हम डेटाबेस डिजाइनिंग प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले उन्हें चार स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिनमें पहला स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डेटा एनालिसिस और आखिर में प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स में फिजिबिलिटी स्टडी को पढ़ने से पहले हमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का पता होना जरूरी है, क्योंकि फिजिबिलिटी इज द पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये जानते हैं कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। दोस्तों, ये सबसे पहला टास्क होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जब हमें किसी सिस्टम को डेवलप करना होता है। इसको इनिशियल सर्वे या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की जाए जिसमें एक प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फराहम किए जाएं, कि सिस्टम की कॉस्ट और उसके बेनिफिट्स को एक प्लान और रिपोर्ट की शक्ल में प्रेजेंट किया जाए। इस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें इस बात का फैसला करना होता है कि आया हम इस सिस्टम को आगे डेवलप करेंगे भी या नहीं। और दोस्तों, ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी चार स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, जिनमें पहला स्टेप है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, सिस्टम रेफर्स टू द प्रॉब्लम, मींस सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में हमें प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना होता है कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें एक नया डेटाबेस सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत पेश आ रही है। क्योंकि जितना क्लियरली हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे उतना ही परफेक्ट हमारा डेटाबेस सिस्टम डेवलप हो सकेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। के बाद नेक्स्ट स्टेप है सिस्टम स्कोप। दोस्तों, स्कोप रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम, यानी यहाँ पर वो लोग जो नया डेटाबेस सिस्टम डेवलप करवाना चाहते हैं वो अपनी लिमिटेशंस, अपनी हुदूद का तय करते हैं कि जो नया डेटाबेस सिस्टम हम डेवलप करवाने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी या नहीं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह। इसके अलावा डेटाबेस सिस्टम को बनाने में कॉस्ट क्या आएगी और हमारा बजट कितना है और उसको बनाने में टाइम कितना लगेगा और कितने पर्संस रिक्वायर होंगे उस एक सॉफ्टवेयर को, उस एक डेटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए। तो इन तमाम लिमिटेशंस को भी मद्देनजर रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। जैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कई सॉल्यूशंस, कई और तरीके मौजूद होंगे और इस स्टेप में उन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है जो ऊपर वाली इन तमाम लिमिटेशंस पर पूरा उतर सके, मींस उसकी कॉस्ट भी कम हो, उसमें टाइम भी कम लगे और उसके लिए हमारे पास तमाम रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो। और ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम बेस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी वक्त हम मार्केट में मौजूद अपने सिस्टम जैसे कई और सिस्टम्स का सर्वे भी करते हैं और उन सिस्टम्स में अगर कोई डेफिशिएंसी मौजूद होती है, कोई कमी मौजूद होती है तो उसे हम अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा सिस्टम उन कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा अच्छा बन सके। और लास्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का फिजिबिलिटी स्टडी। दोस्तों, फिजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, मीन्स जो सॉल्यूशंस हम सोच रहे थे, जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हम सोच रहे थे वो पॉसिबल है भी या नहीं। और इस स्टेप में हमने जो पिछले स्टेप में अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे थे उन्हें रेट करते हैं कुछ चीजों पर, जिनमें पहली चीज है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। दोस्तों, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में हम इस बात का तयन करते हैं कि जो जो सॉल्यूशंस हमने ढूंढे हैं उनमें हमें कितनी लागत बर्दाश्त करनी पड़ेगी और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स यानी फायदे हो सकते हैं। जिन सॉल्यूशंस के बेनिफिट्स कॉस्ट की निस्बत ज्यादा होंगे तभी हम उन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करेंगे, वरना नहीं। और ये काम हम तमाम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के लिए रेट करते हैं। इसके बाद है टेक्निकल फिजिबिलिटी। दोस्तों, टेक्निकल फिजिबिलिटी से मुराद ये है कि जो सॉल्यूशंस हमने माइंड में रखे हुआ है वो
उसके लिए जो हमें टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी वो मिल भी जाएगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी रूरल एरिया के लिए सॉल्यूशन बना देते हैं और बाद में पता लगेगा कि यहाँ इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो डेटाबेस सिस्टम हमारे किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो याद रखिए, किसी भी सॉल्यूशंस को, किसी भी डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करने से पहले हमें उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को भी मद्देनजर रखना होता है, और आखिर में है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। दोस्तों याद रखिए, हम डेटाबेस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी से मुराद है कि जो डेटाबेस सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होने के बाद कारामद होगा भी या नहीं, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकेगा भी या नहीं। मीन्स अगर हम सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दें तो जो ऑलरेडी स्टाफ मौजूद है या वो कस्टमर यूजर्स जो इसको इस्तेमाल करेंगे, क्या वो इस सॉफ्टवेयर को, क्या वो इस डेटाबेस सिस्टम को चलाने के काबिल हो पाएंगे भी या नहीं, यानी इसके लिए ट्रेन हो भी सकेंगे या नहीं, यानी क्या वो सिस्टम ऑपरेशन में आ भी पाएगा या नहीं, यानी यूजर उसको सपोर्ट कर भी सकेंगे या नहीं। तो इन तमाम चीजों का जायजा लिया जाता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या हमारा डेटाबेस सिस्टम बनने के बाद ऑपरेशन में आएगा या नहीं, यानी काम कर सकेगा। दोस्तों फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एनालिसिस का। एनालिसिस के मानी रिक्वायरमेंट्स के होते हैं, यानी वो जरूरियात जिनकी वजह से हम डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करेंगे। डियर स्टूडेंट, एनालिसिस में जो मौजूदा सिस्टम कस्टमर यूज कर रहा होता है उसके काम करने के तरीके को समझा जाता है, और इसी एनालिसिस में इस बात का भी तयन किया जाता है कि जो मल्टीपल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से हमने बेस्ट सॉल्यूशन चूज किया है उसको हासिल करने के लिए हमें किन किन इकदामात को करने की जरूरत है। और ये एनालिसिस फेज भी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस। आइए इनको बारी बारी पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दोस्तों रिक्वायरमेंट एनालिसिस को नीड एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिस्टम एनालिस्ट यूजर और मैनेजर की जरूरियात का तायुन करते हुए एक समरी बनाता है, यानी जो जो काम आपका डेटाबेस सिस्टम करेगा उसकी तफसीलात फराहम करता है। सिस्टम एनालिस्ट वो बंदा होता है जो सिस्टम को एनालाइज करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद मैनेजमेंट और यूजर जो उस नए बनने वाले डेटाबेस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे उसे रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करता है। दोस्तों रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो सिस्टम हम डेवलप करेंगे उसकी बाउंड्रीज को भी सेट किया जाता है, यानी उन चीजों को तो लिस्ट डाउन किया जाएगा जो आपका डेटाबेस सिस्टम करेगा, साथ के साथ उन चीजों को भी लिखा जाएगा जो कि आपका डेटाबेस सिस्टम नहीं करेगा, और इसी को सिस्टम बाउंड्रीज या फिर डेटाबेस सिस्टम बाउंड्रीज का भी नाम दिया जाता है। और दोस्तों फिफ्थ स्टेप टेस्टिंग इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बलबूते पर किया जाता है, और सिस्टम एनालिस्ट इन रिक्वायरमेंट्स को मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए गैदर करता है, यानी सिस्टम एनालिस्ट हालात और वाकियात और टाइम के हिसाब से अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स के जरिए डेटा को गैदर करता है। और इनमें जो सबसे पहली टेक्निक है डेटा को गैदर करने की वो है रिटन डॉक्यूमेंट। दोस्तों सिस्टम एनालिस्ट करंट सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट या फिर मैनुअल मौजूद होगा तो उसको स्टडी करता है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है इंटरव्यूज। दोस्तों ये एक फेस टू फेस मीटिंग होती है जिसको इंटरव्यू का नाम दिया जाता है, जिसमें सिस्टम एनालिस्ट मैनेजर यूजर क्लाइंट और कॉम्पिटिटर्स से मुख्तलिफ सवालात के जरिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है क्वेश्चनर्स। दोस्तों इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद कुछ लोगों से किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत से लोगों से एक साथ डाटा को इकट्ठा करना है तो उसके लिए ये जो टेक्निक है क्वेश्चनर्स की, ये बहुत ही ज्यादा करामत साबित होती है, क्योंकि इसमें एक सवालनामा तैयार किया जाता है जो सिस्टम के से मुख्तलिफ जो सिस्टम के मुतालिक बहुत से सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिसको बहुत सारे यूजर में तकसीम कर दिया जाता है और वो यूजर्स उसको फिल करके सबमिट कर देते हैं। इस तरीके से बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट्स को एक वक्त में इकट्ठा कर लिया जाता है। और दोस्तों लास्ट टेक्निक है ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें ना ही कोई इंटरव्यू या फिर क्वेश्चनर्स तश्कील दिया जाता है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट स्टडी किया जाता है, बल्कि सिस्टम एनालिस्ट इदारे के मुख्तलिफ लोगों को काम करता देख कर डेटा को इकट्ठा करता है। और दोस्तों इन तमाम टेक्निक्स के जरिए एक नए डेटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डेटा एनालिसिस। दोस्तों डेटा एनालिसिस में
जो डाटा आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में इकट्ठा किया होता है उसको एनालाइज किया जाता है, यानी जिन रिक्वायरमेंट्स या डाटा की सिस्टम को जरूरत होती है उसको रखा जाता है, बाकी तमाम को निकाल दिया जाता है। एनालिस्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि जो डाटा इकट्ठा किया गया है वो ना सिर्फ दुरुस्त हो बल्कि मुकम्मल भी हो, यानी बाद में सिस्टम को डिजाइन करते वक्त हमें दोबारा से एनालिसिस फेज पर जाने की जरूरत नहीं पड़े। और दोस्तों, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे डायग्राम्स टेबल्स के जरिए कहीं ना कहीं लिखा जाता है और डाटा को अलग अलग टूल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा कनेक्टिविटी डायग्राम, फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, ग्रिड चार्ट्स की मदद से डाटा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों, ये सब काम करके हो क्या रहा है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इतना सारा डाटा भी इकट्ठा कर लिया, रिक्वायरमेंट्स भी इकट्ठा कर ली, डाटा को डायग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट भी कर दिया, यानी इतने सारे एनालिसिस करने का फायदा क्या हुआ? हमें समझ आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, जो कि रिजल्ट होगा SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की शक्ल में, और इस डॉक्यूमेंट के जरिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स की वजाहत की जाती है, और इस डॉक्यूमेंट को हायर मैनेजमेंट को सबमिट करवाया जाता है। जब हायर मैनेजमेंट इसको मंजूर कर देती है तो इसको नेक्स्ट स्टेप यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप को दे दिया जाता है। और दोस्तों, ये जो आपकी SRS है ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें पहला स्टेप होगा कि हाउ द करंट सिस्टम वर्क, यानी करंट सिस्टम काम कैसे कर रहा है। इसका सेकंड स्टेप होगा उस पे क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, और इसका थर्ड स्टेप होगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नया डेटाबेस सिस्टम बनाया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए। और इस तरह से दोस्तों, जो आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस का जो रिजल्ट होता है उसको इस एक रिपोर्ट की शक्ल दे दी जाती है। इसके बाद इस रिपोर्ट को अगले स्टेप यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप को दे दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टेप को अकम्प्लिश करने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाता है कि प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट क्या होगी, प्रोजेक्ट में कितने लोग काम करेंगे और उनकी एक्सपर्टीज वगैरह क्या क्या होंगी और प्रोजेक्ट एंड कब होगा, और इन तमाम चीजों के साथ साथ सबसे अहम फैक्टर कॉस्ट को भी मद्देनजर रखा जाता है, जिसे प्रोजेक्ट की अपनी कॉस्ट क्या होगी और जो लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उनकी सैलरीज वगैरह डिसाइड की जाती हैं। यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग में A to Z तमाम एस्पेक्ट से प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है। तो दोस्तों, ये वो चार स्टेप्स थे जो कि किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले फॉलो किए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट स्टेप था फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें ये देखा जाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें एक नया डेटाबेस सिस्टम बनाना पड़ रहा है। सेकेंड स्टेप था एनालिसिस, जिसके अंदर उस नए डेटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स और डेटा को इकट्ठा किया जाता है, फिर उस तमाम डेटा को डायग्रामेटिकली एक रिपोर्ट की शक्ल दे दी जाती है जिसको नाम दिया जाता है SRS रिपोर्ट का, और फिर उस SRS रिपोर्ट के जरिए एक पूरे प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा, वो एंड कब होगा, उसका हर एक टास्क जो है वो कब शुरू होना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके प्रोजेक्ट पर कॉस्ट कितनी आएगी। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों को किसी भी डेटाबेस सिस्टम को डिजाइन करने से पहले इन तमाम चीजों को देखा जाता है। यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेटा मॉडलिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।